और जैसे तुलसी दल को खाए तो तृप्त हो गए और कहते हैं राम जी ने इशारा किया बाबा बस बस बाबा अपनी लीला खत्म करो। तो बाबा ने 18वें दिन भोजन पूर्ण तो नहीं किए, आधा किए और मैया जी के चरणों में गिर पड़ी। बाबा बोले बस भोजन को क्यों लिए 17 दिन, अब पानी कहां पाए। तो राम जी बोले इस बार कर लो भोजन, अगली बार जो इंद्र वाला पानी आएगा कुपित होकर इंद्र जब गिराएंगे तो उसे आप पी जाना। तो आज वही बाबा अगस्त पूरा का पूरा पानी पी गए, तो एक बूंद भी बारिश का पानी ब्रज में आया नहीं। क्योंकि जिसके रक्षक भगवान स्वयं हो, जिसको भगवान स्वयं इसकी रक्षा करे, उसका इंद्र भी भगवान भी देवता भी मनुष्य को छोड़ ही दीजिए, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसके रक्षक परमात्मा हो। रक्षसि विश्वासो गोवृत्तवर्णं तथा, भक्त को इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरे भगवान मेरे परमात्मा मेरे प्रभु मेरी रक्षा हर क्षण करते हैं, कण कण में मेरे भगवान हैं। मैं जहां भी जाता हूं जैसा भी जाता हूं जो भी करता हूं मेरे भगवान मेरे ओर देखते हैं और मेरी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था करते हैं, ये भाव होना चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और कहते भगवान ने 7 दिनों के बाद गोवर्धन पर्वत को स्थापित कर दिया, उसी दिन से गोवर्धन पूजन प्रारंभ हो गया। गोवर्धन गो मने गाय भी होता है, गो मने इंद्रिया भी होता है, अपने इंद्रियों में संयम करिए। जिसने अपने मन को अपने इंद्रियों में संयम कर लिया वो यही वृंदावन में चला जाएगा, यही वृंदावन उसके लिए। और जिसके मन में इंद्रियों में संयम नहीं उसका वृंदावन जाना भी ठीक नहीं है। इंद्रिय संयम मने जिस चीज की आपको लत लग गई है, आदत है कि एसी में सोना है, कभी लाइट आ रहा है तो बिना एसी के भी सो लेना, यही इंद्रिय संयम है। गोवर्धन और भगवान ने गोवर्धन का मतलब है गो तब गाय, गायों का संवर्धन गायों की रक्षा, प्रकृति की पूजा परमात्मा की पूजा करवाए। प्रकृति बने जो भी है वो सब भगवान है। तो उस दिन से गोवर्धन पूजन शुरू हो गई और गोवर्धन पूजन करने का परिक्रमा करने का बड़ा महत्व है। आपकी जो भी मनोकामना होगी जो भी इच्छा होगी पूरी हो जाएगी। गोवर्धन में लाखों लाखों लोग जाते हैं, लाखों लोग। अभी मैं स्वयं किया हूँ होली में गोवर्धन की भी वृंदावन की करके आए हैं और 2003 से हम कर रहे हैं, 2003 में गए थे वृंदावन, तब से चली रही परिक्रमा। साल में एक दो बार हो ही जाती है, कोरोना में लगा ना हो पाई पर ठाकुर जी ने कृपा की तो वहाँ दो बार दोनों साल हुई 2020-21 में 22 में हो ही गई। गोवर्धन जाइए तो जरूर जाइए, वृंदावन जाइए तो गोवर्धन जाइए। और गोवर्धन में जो आपका मन होगा प्रत्यक्ष देव कलयुग में कोई है तो गोवर्धन, बड़े बड़े धनवान बड़े बड़े दुखी बड़े बड़े लोग वहां जाते हैं और प्रभु का नाम लेते हैं, क्योंकि गोवर्धन साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, नारायण है, उनकी कृपा जहाँ हो जाती है वहां सब मंगलमय हो जाता है। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की जय। अब इंद्र को बड़ा दुख हुआ तो इंद्र भगवान से माफी मांगने आए, क्योंकि गलती हो जाए तो माफी मांग लेना चाहे कितने ही बड़े सही आप हो, यदि गलती हो जाए समझ लेना गलती हमसे हो गई, तो चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो एक बार क्या करना माफी मांग लोगे तो परमात्मा भी माफ कर देंगे, मन का बोझ भी हल्का हो जाएगा। तो इंद्र स्वयं आए कहां से, स्वर्ग से। आज भी गोवर्धन में इंद्र मान मर्दन स्थान है, जति जतिपुरा एक गांव आता है परिक्रमा में, वहां पे आज भी इंद्र मान मर्दन जहां पे इंद्र ने भगवान से माफी मांगी थी वो स्थान आज भी है। सीधे स्वर्ग से आए, कुछ संत ऐसा कहते हैं जब इंद्र आए तो गौ माता को गैया माता को आगे कर दिए, क्यों, गाय को देखकर भगवान का गुस्सा शांत हो जाएगा क्रोध शांत हो जाएगा। तो गाय माता आगे आगे इंद्र पीछे पीछे, तो गाय माता आई और भगवान को अपने दूध से अभिषेक की, तो आज से परमात्मा का नाम क्या पड़ गया गोविंद। बोले गोविंद भगवान की जय। सुरभि मैया ने प्रभु का अभिषेक किया और भगवान ने देखा पीछे कौन है, देखे इंद्र, तो इंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की, विशुद्ध सत्वम तपधान सारम तपोमयं हस्तरजस्तमस्तकम्
हमने आपकी गलती कर दी। आप सत्य गुण वाले हैं, तमो गुण वाले हैं, क्रोधी हैं, कामी हैं, लोभी हैं। मैंने आपके भक्तों का अपराध किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। पिता गुरु स्तम जगन्नाथ, आप मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे सब कुछ है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे एक बार माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। तो कहते जैसे ही स्तुति की तो भगवान मुस्कुरा गए। भगवान क्यों मुस्कुरा गए? भगवान इसलिए मुस्कुरा गए कि इंद्र तुम्हारी गलती की वजह से मेरे पूरे भक्त एक साथ एक घर में एक छत के नीचे आ गए, इसलिए जाओ क्षमा कर दिया तुम, अब ऐसी गलती मत करना। मेरे भक्तों को, मेरे चाहने वालों को, मेरे पूजा पाठ करने वालों को और मेरे भोले भाले ब्रजवासियों को कभी परेशान मत करना। और कहते इंद्र भगवान के चरणों में गिर पड़े, बोले ठाकुर जी अब तो जाने का मन नहीं होता, अब लगता यही रहूं और यही वास करूं। भगवान बोले जाओ स्वर्ग के राज का उपयोग करो, तुम स्वर्ग के राजा हो, पर ये मानो कि भगवान ने मुझे ड्यूटी दी है, अहंकार मत करो। वो स्वामी जी कहते हैं कुछ भी हो जाए जीवन में अहंकार मत करिए, और अहंकार करना तो सिर्फ एक कर लीजिए, एक अहंकार जीवन में किया जा सकता है, कौन सा? असे अभिमान, असे अभिमान चाहि जन भोरे, असे अभिमान चाहि जन भोरे, असे अभिमान चाहि जन भोरे, जीवन भर के लिए।
फिर वो धोती कुर्ता में तो भी रखते हैं, पैंट शर्ट में तो भी रखते हैं, टीका लगाया तो भी रखते हैं और नहीं लगाया तो भी रखते हैं। और यदि सिर्फ टीका लगाने से धोती पहनने से कोई भक्त बन जाता है, 200 रुपए की धोती आती पहन लो और बन गए भक्त, ना ना ना। भक्त मरे जो हर क्षण 24 घंटे भगवान का भक्त रहता है, यानी जो भी काम करता है, भोजन बनाए तो क्या करे, हम जो प्रसाद बना रहे हैं ये हम तो खाएंगे, और हमसे पहले हमारे ठाकुर जी पाएंगे। हम जो ये दुकान चला रहे हैं, हमारा जो व्यापार है, विस्तार है, भगवान ने कृपा की है। एक शहर में हजारों लोग होते हैं, सबका बराबर नहीं चलता ना, कोई 2-4 लोग ही बड़े बड़े व्यक्ति बन पाते, क्यों? मेहनत सबने बराबर की, दुकान सब बराबर खोलते हैं 12 घंटे, फिर भी कोई बहुत आगे क्यों निकल जाता, क्योंकि परमात्मा की कृपा हो जाती है। जो भी कार्य करिए, क्या समझ करिए, मैं हूँ श्री भगवान का, भगवान का बन के रहिए, और आठों याम 24 घंटे परमात्मा का बनकर रहिए, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो हमें कैसा मत बनना है, पार्ट टाइम वाला नहीं, जब दुकान बंद कर दिए, पैसे कमा लिए, सब कुछ कर लिए, मंदिर बंद होने वाला तब पहुंच गए संग्रहपति महाराज, महाराज पंडित जी हम अभी दुकान बंद करके आए, ना ना ना, बल्कि आप मंदिर ना जाओ कोई बात नहीं, अपने घर में ही मंदिर बना लो, दुकान में ही मंदिर बना लो, पर भक्त कैसे रहो, जीवन भर वाले भक्त बनेंगे तो क्या होगा, हमारा ये जन्म भी, आने वाला जन्म भी, और हमारे हजारों जन्म अच्छे हो जाएंगे। जो भी करिए वो जीवन भर के लिए करिए, शादी के जीवन भर के लिए, पुत्र है जीवन भर के लिए, पति है जीवन भर के लिए, जब तक प्राण है शरीर में, जब पूरे रिश्ते हमारे जीवन भर के लिए, तो भक्ति हमारी एक दिन वाली, मंगलवार वाली, गुरुवार वाली कैसे हो सकती है, तो रोज होना चाहिए नित्य भक्ति। भगवान कहते हैं जो नित्य भक्ति करता है वो मेरा हो जाता है, और जो मेरा हो जाता है फिर उसकी व्यवस्था मैं करता हूँ। कर्मण्ये वाधिकारास्ते, कर्म करिए पर परमात्मा के लिए करिए, ये समझ के करिए भगवान ने हमें नियुक्त किया इसलिए हम कर रहे हैं, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन इंद्र चले गए, भगवान ने माफ कर दिया, भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, हमें हर क्षण भगवान का नाम लेना पड़ेगा, या तो भगवान का नाम लें या भगवान का काम समझकर अपना काम करें, ये समझे कि भगवान ने हमें इसके लिए जीवन दिया है। आठो राधे राधे जपले वंदे तू तो आठो, ये भजन एक बार कर चुके सुनिए, एक बार और गा लेते हैं। राधे राधे जपले वंदे तू तो आठो, राधे राधे जपले वंदे तू तो आठो, जो ले आ जो
जय जय श्री राधे। तो क्या कर रहे हैं? राधे राधे जप ले वंदे तू तो आठ होया। और क्या होगा? तेरा हो जाए कल्याण बदले, हो जाए कल्याण। राधे राधे जप ले वंदे तू तो आठ होया। भगवान का, राधे रानी का, प्रभु का नाम हमें जपना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ चल जाता है। यहाँ पैसे चल जाएंगे, व्यवहार चल जाएगा, छल चल जाएगा, कपट चल जाएगा इस दुनिया में, वहाँ क्या चलने वाला है? वहाँ आपने राम नाम का धन, राधे रानी के नाम का धन, प्रभु के नाम का धन, सत्कर्म दान पुण्य क्या क्या किया वहाँ, तो वही चलने वाला है। वहाँ हमारा कल्याण ये पैसा नहीं करने वाला, ना ये परिवार करने वाला, ना लोग करने वाले, ना व्यवहार करने वाला, वहाँ कुछ भी काम नहीं आने वाला। क्या आएगा? धर्मानुगो गच्छति जीवेकः। वहाँ केवल हमारे काम आएगा हमारा किया गया धर्म। मैं बार बार बोलता हूँ, प्रत्येक कथा में बोलता हूँ, सब जगह बोलता हूँ, धर्म कर लीजिए। यदि भगवान ने आपको तन दिया, तन से सेवा करो, मन दिया है कुछ मत करो, मन लगा दो परमात्मा में, धन दिया तो धन से करो, या तो तीनों से कर लो। क्योंकि जितना आप यहाँ करके जाएंगे उससे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों गुना ज्यादा आपको प्राप्त होगा। क्या करेंगे हम? प्रभु का नाम लेंगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा आज श्री कृष्ण और बलराम जंगल में गोचरण करने गए, गोचारण करने गए, गैया चराने गए, गौ माता की सेवा करते हैं भगवान से। जिस गौ माता की सेवा स्वयं परमात्मा ने अपने हाथों से की, आज सबसे ज्यादा हालत खराब है गौ माता की। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्रा प्रतिताय च विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। बहुत आरती गाई वाली, आज भी लोग गए होंगे राम जन्म को, वही प्रेरण कृपाला। पर देखिए भगवान को जो जो प्रिय है, भगवान को जो जो अच्छा लगता है, जिसके लिए भगवान आते हैं, उनकी हालत बड़ी खराब है। ब्राह्मणों का बड़ा अपमान हो रहा है, माफ करिएगा, ब्राह्मणों को बहुत बहुत तिरस्कार कर रहे हैं। गाय तो बेचारी पन्नी खा रही, जो गाय का हमारा भरोसा है कि अंतिम समय गोदान कर लो तो बैतरणी पार कर जाएंगे, उसको हम झूठा भोजन भी कराते, कचरा भी खिलाते हैं। वो घर के पास आ जाए, गाय का गोबर लेना पड़े पूजा पाठ में, तो लोग कहते नहीं नहीं नहीं, हाथ गंदा हो जाएगा। महाराज हल्दी लिपा दो, हल्दी में गाय का वास होता है, हल्दी में लक्ष्मी का वास होता है। जो भगवान का प्रिय है सोचिए उसकी हालत क्या है। सुरमरे देवता अब चढ़ाएंगे नारियल 20 रुपए के, मांगेंगे 20 करोड़। हे शंकर मंदिर वाले, हे बिहारी जी, हे ठाकुर जी, हे शंकर भगवान, हमारी इच्छाएं पूरी कर दो। जो भगवान को प्रिय है उसका विरोध मत करिए, भले ही उसका सपोर्ट मत करिए, सम्मान ना करिए, दान ना करिए, कोई बात नहीं, पर अपमान भी मत करिए, नहीं तो पाप लग जाएगा। और जब प्रभु देते हैं दंड, तो दुनिया में कोई नहीं बचा पाता। पुण्य के फल से आगे बढ़ गए, पुण्य किए तो बड़े आदमी बन गए, बहुत पैसे हो गए, नाम हो गया समाज में, पर ध्यान देना जब पाप होते हैं तो फिर क्या होता है? फिर व्यक्ति नीचे की ओर आता है, फिर बहुत नीचाई में आता है, फिर कोई बचा नहीं पाता। जय जय श्री राधे। तो भगवान आज कहाँ गए? जंगल में गौ माता को चराने गए। अब आप और हम सेवा नहीं कर सकते ना गौ माता की, नहीं कर पाते। गाय तो होगी भी नहीं यहाँ किसी के पास नहीं होगी। तो गाय की सेवा नहीं कर पाए तो कम से कम गाय की व्यवस्था तो कर पाए, कुछ तो करें। हम तो करते हैं अपने गांव में, अभी भी हम जाते हैं तो लेके जाते हैं गाय को सुबह, रोज नहीं जा पाते, सेवा हम भी नहीं कर पाते, क्यों झूठ बोले व्यास बीच में। फिर भी हमारे घर में गौ सेवा होती है, 10-15 गाय है, गौ सेवा होती है। हमसे ज्यादा हमारे भैया करते हैं, ये लोग ज्यादा करते हैं, हमसे तो नहीं जाते उतना, फिर भी कभी कभी हम नहीं जाते।
गौ सेवा करने गाय को लेकर जंगल में चलाने वाले तो वहां तक छोड़ना पड़ता है, फिर का बोलते हैं यहाँ भाषा में, तो वहां हम अभी भी जाते हैं, कम मौका मिलता है फिर भी जाते हैं। क्यों? जो काम हमारे भगवान ने किया उस काम में हमको शर्म आ जाए, फिर हम भक्त नहीं हो सकते, फिर हम दिखावा कर सकते हैं। गाय की सेवा नहीं, मत पानी की सेवा करिए, दंड मत दीजिए, कष्ट मत दीजिए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा हमारे यहाँ क्या फल आता है, गोदानम पृथ्वीदानम भूदानम गोदानम तथा विचार अन्नदानम वस्त्रदानम स्वर्णदानम तथा विचार। दस जो दान होते हैं, दस प्रकार के दान व्यक्ति को जीवन में करना चाहिए। उसमें पहला है भूदानम, भू बने पृथ्वी का दान। अब जमीन इतनी महंगी है, भूमि दान करना असंभव नहीं है, कर सकते करने वाले करते हैं, अभी भी करते हैं लोग, करोड़ों रुपए की जमीन खरीद के दान कर देते हैं, पर कोई बात नहीं, दो चार तीन पग तो बामन भगवान ने तीन पग लिया था, तो तीन पग भूमि तो दे ही सकते हैं सब कोई। अब तीन की भूमि हम कैसे देंगे, उसकी पैसा उसका दक्षिणा दे सकते हैं, तीन की भूमि का दक्षिणा, तीन पग का जो भी पैसा हो वो दीजिए, इससे कल्याण होगा। पृथ्वी दान, गौ दान, स्वर्ण दान, जल दान, नमक का भी दान होता है, नमक दान, कन्या दान, ये बड़े बड़े दान है, इनको करने से सीधे स्वर्ग मिलता है। पर यदि हमारा भरोसा है शास्त्रों में लिखा है गोदान करने से बैतरणी नदी में नहीं जाना पड़ता, पार करा देती है, तो उसकी दशा ऐसी की हम सोचिएगा कभी अकेले में, चिंतन करिएगा। भगवान कैया चलाने जा रहे हैं और भगवान को लग रहा है भूख, तो पास में ब्राह्मण लोग कर रहे हैं यज्ञ, पंडित जी लोग कर रहे हैं यज्ञ, भगवान ने कहा जाओ भैया ब्राह्मणों को कुछ प्रसाद ले आओ। प्रसाद का मतलब है बांटकर खाना, प्रसाद का मतलब है बांटकर खाना। आप कहीं गए प्रसाद थोड़ा मिले, थोड़ा थोड़ा बांट दीजिए, और भंडारे में आश्रमों में जा करके प्रसाद तभी खाने का अधिकार है जब हम वहां को सहयोग की हो। यदि हमने एक रुपए का भी सहयोग नहीं किए, हम सक्षम गरीब नहीं है, अगर भगवान ने दिया है और कहीं का भंडारा हम खा लिए जा करके प्रसाद समझ करके भी, और एक रुपए का भी हमारा सहयोग नहीं है, तो हम उस भंडारा कराने वाले के ऋणी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऋणी हो जाएंगे। लेकिन बात का खाइए, तो गए ब्रजवासी, गए बोले पंडित जी हमें भोजन चाहिए, कन्हैया ने भोजन मंगाया, तो कहते पंडित जी लोग डांट कर भगा दी, जाओ ग्वालिये नहाते नहीं, पढ़ना आता नहीं, कैया चलाते हो, जंगली कहीं के जाओ, हम नहीं देंगे। भगवान से बोले प्रभु आज बड़ा अपमान हो गया, पंडितों ने भगा दिया, ब्राह्मणों ने भगा दिया। भगवान बोले माताओं के पास जाओ, तो इस बार सारे ग्वाल चले गए ब्राह्मण पत्नियों के पास, पति बाहर जप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पत्नियां घर में भोजन बना रही हैं, तो क्या बोले, देवी जी माता जी हमें भोजन दो, हमारे कृष्ण नाम आए हैं उनके भोजन की व्यवस्था आप करो। और कहते ब्राह्मण पत्नियों ने सुंदर भोजन बनाया, और पति इशारा कर रहे ना 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 बिल्कुल दान नहीं, बिल्कुल धर्म नहीं, बिल्कुल मत देना इनको, फिर भी पत्नियों ने क्या किया, भोजन बनाइए, बोले अपने हाथों से भगवान को खिलाएंगी। ये कथा कहती है कि माताएं चाहे, घर की स्त्री चाहे, घर की मालकिन चाहे, तो भागदौड़ तो एक दिन में हो सकती है, जब घर बन जाते हैं, प्लॉट ले लेते हैं, कार आ जाती है, यदि माताएं वास्तव में माता ही धर्म, हमारी माता ही धर्म चाहिए, जहां भी कथा होती है 90% संख्या माताओं की, क्योंकि पुरुष कमाएगा नहीं तो माताएं कथा में जाएंगी कैसे। जिस दिन जिस घर की माता जी चाहे कि हमें भागवत करानी है, तो मैं सच कहता हूँ दो दिन में भागवत की प्लानिंग हो सकती है, लेकिन वो चाहती नहीं, चाहे नहीं तो कथा हो सकती, बड़ी बात नहीं है। जब सब कुछ हो जाए, बाथरूम भी अच्छा वाला 10 लाख में बनता है, आजकल महंगा बाथरूम, बढ़िया वाला बात हो, लग्जरी वाला 10 लाख रुपए का है, मैंने उमरिया में देखा है, यही की बात करूँ, बाहर की बात नहीं करता अभी, बाहर तो छोड़ लीजिए कितने महंगे हैं, 10 लाख रुपए में बाथरूम बनाते हैं लोग, जिसका उपयोग किया स्नान करना, पहले के लोग होशियार थे, नदी में गए और स्नान कर दिए, और हम भागवत में अरे महाराज बड़ा खर्चा आ जाएगा, हमारे पास सही नहीं, बजट बिगड़ जाएगा, क्या करें, भागवत सुन लेंगे बूढ़े हो जाएंगे। ध्यान दीजिए जो व्यक्ति अपने अच्छे समय पर खूब पैसा खूब संपत्ति अपने हाथ पैर चलते अपने स्वस्थ अवस्था में कथा नहीं सुना, उसका जीवन बहुत अच्छा नहीं है, सुनना चाहिए, भगवान ने दिया तो सुनिए, नहीं तो दो चार लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करके परिवार में कराइए, नहीं तो मोहल्ले में करवाइए, नहीं तो पूरे शहर में मिलकर करवाइए, पर करेंगे तो लाभ होगा।
कहते पत्नियों ने बात नहीं मानी और पति के मना करने के बाद भी वो निकल गई है। बोली भगवान से बड़ा पति संसार में कोई नहीं है। भगवान ना देते तो कहां से आता घर में इतना पैसा। भगवान ने दिया तो भगवान के लिए दिल बड़ा करिए। और जा करके कहती है ठाकुर जी को जाकर के प्रणाम की और अपनी गोद में बैठा करके भोजन कराई। और प्रभु स्वयं पा रहे हैं क्या है अनपढ़ है पढ़ी लिखी नहीं है। घर में चौका बर्तन करती फिर भी भगवान को प्रकट कर ली क्योंकि बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किसो और न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान तो प्रेमी है प्रेम के रस्ते परमात्मा हो जाते हैं। प्रेम से भगवान को जो भी दीजिए वो भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान ये भी कहते हैं प्रेम तो करो पर आपकी स्थिति क्या है आपकी स्थिति के अनुसार आपको दान भी करना पड़ेगा। जो आपकी इनकम है उसके हिसाब से दान भी चलता है। गरीब व्यक्ति आपका उदाहरण देते हैं बलिया भी कर रहा हूँ अपने साथ और बाहर तो और ज्यादा बोल रहे हैं यहाँ तो बहुत कम कथा करते हैं मतलब कथा करते हैं पूरी समझाते हैं आपके भी यहाँ सब समझदार है हमारे अपने तो ज्यादा नहीं बोल पाते। एक गरीब व्यक्ति एक 200 रुपए कमाने वाला व्यक्ति सगरा मंदिर में जाएगा नारियल कितने की 20 रुपए की वो यदि 20 की नारियल चढ़ाएगा तो क्या होगा उसको सबसे ज्यादा पुण्य होगा। पर एक करोड़पति व्यक्ति एक नारियल चढ़ाएगा तो क्या होगा उसको कोई भी नहीं मिलेगा। ये दिखा है सीमा पुराण में क्यों क्योंकि व्यक्ति का दशांश दान होना चाहिए। 200 रुपए कमाने वाला 20 रुपए दान कर लिया तो 10% कर लिया पर जिसके यहाँ 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए रोज आते हो उसके लिए नारियल नहीं वो तो कुछ बड़ा करे हर सोमवार को भंडारा कराए या तो कुछ अंश निकाले क्योंकि दान हमारे स्थिति के हिसाब से माना जाएगा। हमारी स्थिति हमारी कंडीशन हमारी स्टेबिलिटी क्या है कितने बड़े हैं समाज में हमारा क्या नाम है उसके हिसाब से दान करेंगे। भाई विवाह भी तो ऐसे करते हैं ना करोड़पति व्यक्ति बहुत बड़ी पार्टी देता है गरीब व्यक्ति बेचारा 1 लाख की शादी कर लेता है। जब विवाह में हम सोचते हमारे शहर में हमारा नाम है खूब बड़ा शादी करे खूब बड़ी पार्टी दे लोग ये ना बोल पाए सेठ जी कमजोर है। जब विवाह बहुत बड़े रूप में करते हैं सोचिए ना भागवत जो है जीवन का अंतिम विवाह है। भागवत से बड़ा पुण्य किसी में नहीं है। मनुष्य जन होकर जिसने एक बार भी भागवत नहीं सुनी उसका तो क्या कहे ये मालिक ठाकुर जी की कृपा नहीं है। जन्मांतरे भवे पुण्य फलाभाग्यवतम लभे। जब जन्म जन्मांतरों में हमारे पुण्य उदय होते हैं हमारे पूर्वजों की कृपा होती है बिहार जी स्वयं कृपा करते तब हम भागवत कराने के बारे में सोच पाते हैं और सोच लेंगे तो हो जाएगी सोचते नहीं कभी नहीं होती। जय जय श्री राधे। अब ब्राह्मण पत्नियों ने भोजन करा दिया अब घर कैसे जाए पति जाने देंगे नहीं रह गई। भगवान ने कहा जाओ मेरा आशीर्वाद कहीं तो क्या हुआ क्या लिखा गोस्वामी जी जाओ कृपा राम की होई तापर कृपा करे सब कोई। जब भगवान की कृपा होती है तो हमारा कोई विरोधी नहीं होता। यदि हमारे हर काम एक बार में बन जाते हैं लोग हमारा सम्मान करते हैं लोग हमारी बात मानते हैं तो मानिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये हमारे कर्म नहीं है हम सोचे हमारे बड़े अच्छे कर्म है बड़े व्यवहारी का ना 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 हमारा व्यवहार तो घर में भी नहीं निभाते कभी कभी घर में कोई व्यक्ति 10 दिन रह जाए छुट्टी में समझ लीजिए उसकी लड़ाई पक्की है एक बार तो होगी 10 दिन में व्यवहार नहीं है। परमात्मा की कृपा है कि हमारा सब कुछ एक बार में हो जाता है। जो काम हमारा एक बार में हो जाता है वो काम कई लोग 10 बार भी नहीं कर पाते। ये ठाकुर जी की कृपा जावर कृपा राम की हो तापर कृपा करे सब कोई। और जैसे ही पहुंची तो पति के आंखों में आंसू आ गए ब्राह्मण हाथ जोड़कर खड़े हैं क्या कहते हैं दिग्जन कनस्त्रिक दिग्दिव्या दिग्जन मनोज्ञायता क्या बोलते हैं अरे हमारी पत्नियों भार्याओं धर्मपत्नियों आपको प्रणाम करते हैं आप हमसे होशियार निकल गई आप बड़े अनपढ़ हैं गवार हैं चौका चूल्हा करती है पर आपने स्वयं भगवान को अपने गोद में बैठा कर भोजन करा दी और हम क्या कहते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा। मंत्र बहुत बड़े फिर भी भगवान हमारे सपने में भी नहीं आए। तो भगवान को पाने के लिए भाव की आवश्यकता है भाव हमारा अच्छा हो भाव भाव से मुझको भजे तो भव से वीणा भरे।
सबसे बड़ा पुण्य ये है कि भगवान के लिए सोचे और भगवान के लिए हम सोचेंगे तो भगवान हमें अवश्य मिलेंगे। भगवान कहते हैं, एक भक्त कहता है ना, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगा दे चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल ये नाम रख लीजिए, कृष्ण गोविंद गोपाल राम श्याम घनश्याम, ये बोले में तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और सच मानिएगा, वृंदावन में ऐसे हजारों संत हैं, एक नहीं, गोकुल में, बरसाने में, नंदगांव में, अयोध्या में, चित्रकूट में, पास में, कटक में, कि एक एक लाख बार राम नाम लेते हैं तो कहीं पानी पीते हैं, जबकि उनका आसन करोड़ों का होता है। चेले अरबपति महाराज आप बोलो तो सोने का सिंहासन बनवा दे, बोलते नहीं भैया, सोना लेकर जाएंगे नहीं, चांदी लेकर जाएंगे नहीं, पैसे लेकर जाएंगे नहीं, परिवार वाले यही ले जाएंगे, जाएगा क्या, राम का नाम हमारे साथ जाएगा। जय जय श्री राधे। और ब्राह्मण चरणों में गिर पड़े, बोले देवियों क्षमा कर दो हमें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप हमारी गुरु हो गई। यहाँ से देखो, पत्नी भी गुरु बन सकती है, यदि पत्नी भक्त है ना तो किस्मत वाले लोग तो अपनी पत्नी को भक्त पाते हैं, भक्त है, पूजा करने वाली, पाठ करने वाली, धर्म करने वाली। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा, भगवान से नाते बना लो, भगवान से कोई रिश्ता बना लो। भक्ति का आरंभ होता है कहां से, परमात्मा से संबंध बनाओ, परमात्मा में संबंध बनाओ और परमात्मा में विश्वास रखो, भगवान का कुछ मान लो। मीराबाई कहती है ना कि मेरो को गिरिधर गोपाल दूसरो नहीं कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो, मेरो को गिरिधर गोपाल। तो आइए चलते ठाकुर जी के चरणों में, श्री राधा रानी के नाम का सहारा ले, क्योंकि राधे रानी का नाम जिसके पास सहारा है पूरी दुनिया उसकी है, और जिसके पास भगवान के नाम का सहारा नहीं है दुनिया वाले उसके होकर भी उसके नहीं रहेंगे। जय जय श्री राधे। लेकिन छठा दिन हम लोग कल करके परसों निकल जाएंगे, लेकिन हमको याद होना चाहिए कि यहाँ पे कथा की वालिया बहुत की है, हरेश्वर नाका में देवान परिवार में आपके माता जी कथा की, जयकारा हम बुलवाएंगे, आप भी बोलिए जय जय। राधे नाम का सहारा, और ये भजन मैंने स्वयं लिखा, यूट्यूब पे भजन पड़ा हुआ है, मुझे स्वयं लिखी अपने हाथों से। राधे नाम का Oh,
ना तो पति का सहारा, ना पत्नी का सहारा, ना बेटे का सहारा, ना पुत्र का सहारा, ना पुत्री का सहारा। अगर सहारा होता तो छोड़कर क्यों जाते बताइए? कोई जाता संसार में? कोई चाहता मैं अपनी पत्नी से पहले चला जाऊंगा या मैं अपने पति से पहले चली जाऊंगा? कोई बेटी चाहती अपने पिता का घर छोड़कर चली जाऊंगा? जो दुनिया का नियम है, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अकेला रहना पड़ेगा, तैयार रहिए। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरे जीवन में एक साथ पति पत्नी है तो पूरा जीवन एक साथ मृत्यु होना ना, ना। एक दिन ऐसा आएगा आपका जो सबसे प्रिय है ना वो आपको छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि दुनिया का नियम है। तो भक्त ये कहते हैं, जब आऊंगा राधे रानी। मैंने वृंदावन में केसी घाट के पास यमुना जी के पास एक साधु को रोते हुए देखा था 2017 में। मैं जाके बोला, बाबा क्या चाहिए? कुछ आपको जय चाहिए, फल चाहिए? तो रोते हैं, क्या कहते हैं? राधे 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 राधे। तो उनकी भावनाओं को मैंने लिख दिया 2017 में 15 अगस्त के दिन। उस दिन जन्माष्टमी थी, कृष्ण जन्माष्टमी, और 15 अगस्त एक भी साथ था। जब आऊंगा राधे रानी, जब आऊंगा ओ महाराज। हे राजे रानी, जब हम दुनिया से आएंगे, क्योंकि आएंगे तो अकेलेंगे, क्योंकि दुनिया में आए भी हमके जन्म अकेले हुआ था ना। यहाँ तक कि जुड़वे बच्चे आ जाए, जन्म भी एक साथ हो जाता है 4-5 वर्ष के अंतर में, पर मृत्यु कब किसकी कहाँ किस जगह होगी कोई नहीं जानता। जब आऊंगा राधे रानी, जब आऊंगा ओ महारानी, मुझको पहचान लेना, मुझको पहचान लेना। क्यों पहचान लेना राधे रानी? अपने कान्हा जी से कहकर, अपने सांवरिया से कहकर, मुझको मुक्ति दे देना, मुझको मुक्ति दे देना। मुक्ति देने वाले कौन है कन्हैया है? राधा रानी तो क्या देती है? भक्ति देती है। हे राधे रानी, आप हमारी सिफारिश कर देना, हमारा सहयोग कर देना, तो आपके कन्हैया, आपके राधा, आपके प्रिय आपके कृष्ण हमको मुक्त कर देंगे, क्योंकि आपकी कृपा के बिना वो तो कुछ करते नहीं। और आप बोल दी तो फिर वो मना भी नहीं करते, आपकी बात कौन काटे। जय जय क्या कर रहा है? राधे नाम का सहारा, श्यामा नाम का सहारा, जीवन है मेरा तारा। बस ये भजन याद कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा हमारे जीवन का। कल्याण करने वाले केवल कौन है? राधे रानी है, परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदना, विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। आज भगवान लगभग 9-9.5-10 साल के हो गए, और परमात्मा ने आज यहाँ लीला की। भगवान ने क्या की? मुरली बजाई, और जितनी ब्रज की गोपियां है ना, जितनी 84 कोस की गोपियां सब आ गई। उन्हें लगा मानो कन्हैया परमात्मा भगवान हमारा नाम ले रहे हैं। निसंग गीतम तदनंद वर्धनम, ब्रज स्त्रियम कृष्ण गृहीत मानसा। निसंग गीतम, भगवान ने जैसे मुरली बजाई सब गोपी दौड़ पड़ी। क्यों? उन्हें लगा मानो परमात्मा हमारे प्रियतम, हमारे मैंने कल बताया था गोपी मैंने क्या होता है, जो हर काम भगवान के लिए करे वो गोपी। जैसे हम अपना काम संसार के लिए करते हैं तो हम क्या है? संसारी, गोपी नहीं है। गोपी बने जो प्रत्येक काम अपना भगवान के लिए, प्रीतम के लिए, कृष्ण के लिए करे वो गोपी है। गोपी सर्व इंद्रिय कृष्ण रसम पीवत इति गोपी। तो गोपियां दौड़ पड़ी, जो भी जिस काम को कर रही थी सीधे दौड़ दौड़ी। और कन्हैया कब बजाई? बजाई बोली शरद पूर्णिमा की रात्रि को। आपको मालूम होगा शरद पूर्णिमा जो होती है रात्रि, वो सबसे उजाले वाली रात होती है। दिवाली की रात जो सबसे अंधेरी रात होती है, दिवाली जैसा अंधेरा कभी नहीं होता, क्योंकि लक्ष्मी वहां आती है। और शरद पूर्णिमा में सबसे ज्यादा उजाला होता है। बजाए बोली यमुना किनारे, सारी गोपियां पहुंच गई। पति बोले कहां जा रही हो? जा रहे हैं स्वामी बस। सब गोपी एक एक करके अनेकों कामों को छोड़कर, अपने सभी कामों को छोड़कर भगवान के पास आई।
एक गोपी के पति ने